गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से हम अपनी काफ़ी थोड़ा सा गैप हो गया है बच्चों क्लास में, उसकी वजह ये रही है कि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी इधर, थोड़ा सा रक्षाबंधन का और 15 अगस्त की भी प्रिपरेशन चल रही थी, उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ। उसके लिए मतलब कोशिश करेंगे कि आगे से गैप ना हो। जो पार्ट रह गया था, तीसरा वाला पार्ट हमारा रह गया था, दो पार्ट पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। हम पढ़ा रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन आपको, इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन में आपको पढ़ना क्या है। अब पार्ट नंबर 3 में हमने जो जो बातें पढ़ा दी हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक पार्ट नंबर 1 में है और एक पार्ट नंबर 2 में, तो उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और करेंगे हम आपसे कि हमने जो पढ़ाया है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार याद कर लो। हमने आपको स्क्वायर करना हर संख्या का सिखा दिया है, कोई भी संख्या का आप स्क्वायर करना निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट सिखा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखा सकते हैं, परफेक्ट रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी निकाल दिया है। तीसरा हमने आपको बता दिया मल्टीप्लाई करना। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हमें डिवाइड करना सिखा दो, तो बेटा डिवाइड जब कैलकुलेशन आती है तभी समझ में आता है कि कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं, तो उसका भी मैं कुछ नियम बताऊंगा जब पढ़ाएंगे, है ना। और जैसा कि मैंने बोल रखा है कि मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो बेटा कंप्लीट ही पढ़ाने की कोशिश है, बस थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया था, आगे से कोशिश करेंगे कि गैप ज्यादा ना हो, ठीक है। और अगला टॉपिक एक बार फिर से, ये हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार फिर से ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा। वैसे ज्यादातर कमेंट मेरे पास नंबर सिस्टम के आ रहे हैं, ठीक है, और एक दो बच्चों का मेंसुरेशन का भी आया है, तो बेटा हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ा लेंगे, ठीक है, फिर आप देखना जो भी बताने वो पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। अब हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की बात कर ली थी, आज हम बेटा जो बात करेंगे वो हम करेंगे आज क्यूब रूट्स की, ठीक है। क्यूब रूट देखिएगा जरा ध्यान से, कुछ दिख रहा है आपको शायद, है ना, कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ पे, कुछ देखो क्यूब रूट्स लिखे हैं, ठीक है। ये हमने रूट्स की बात की थी, स्क्वायर रूट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब रूट्स की। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, क्यूब रूट्स की कुछ टेबल बनी हुई है जो आपको समझनी रहेगी, तो ये टेबल है क्या पहले इसको समझ लो। ये कहना चाह रहा है कि इन संख्याओं का रूट्स करने पे ये रहता है, जैसे सॉरी क्यूब करने पे ये रहता है। जैसे अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, अगर हम बेटा बात करें किसकी, इसको साफ करने, अब देखो अगर हम बात करें एक का क्यूब, तो बताओ बेटा एक का क्यूब एक ही रहेगा कि नहीं, ठीक है। और बताओ दो का क्यूब क्या रहता है, दो का क्यूब रहता है कितना, 8, ये तो रहता है कि नहीं, ठीक है। तीन का क्यूब कितना रहता है, तीन का क्यूब रहता है बेटा 27, 27 में यूनिट डिजिट से मतलब है कि 7, ठीक है। इसके बाद बताओ चार का क्यूब क्या रहेगा, चार का क्यूब कितना होता है, 4 × 16 = 64, यूनिट डिजिट 4 ही रहती है। पांच का कितना रहता है, पांच का क्यूब बेटा रहता है, पांच का क्यूब 125 होता है, तो 125 की यूनिट डिजिट 5 ही रहती है। इसी तरह से बताओ छह का क्यूब क्या रहता है, 6 का क्यूब, तो 6 × 36 = 216, यानी यूनिट डिजिट 6 ही रहती है। इसी तरीके से बताओ बेटा 7 का क्यूब क्या रहता है, तो 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 × 7 = 7 343, ठीक है। अब देखना, जब हमने 3 का किया था तो यूनिट डिजिट 7 रही थी, 7 का किया है तो यूनिट डिजिट 3 रही है। इसीलिए देखो ये जो तीर लगा है, ये जो तीर लगे हैं, ये देखो दोनों साइड के लिए लगे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और देखिएगा बेटा ऐसे अगर हम बात करेंगे किसकी, 8 की, तो बताओ जरा 8 का क्यूब कितना होगा, 8 × 64 = 512, 512 में बताओ यूनिट डिजिट कितनी है, 2, तो 2 का क्यूब किए थे तो 8, 8 का किया था 2, बस यही बातें आपको याद रखनी है, बाकी सब बहुत सरल है। देखिएगा कैसे, जैसे बेटा पहली संख्या आपको ये दी गई है, कितनी दी गई है, 12167, देखिएगा हम सीट अलग से लेते हैं, हमने संख्या ली 12167, क्यूब रूट 12167, इसका क्या लेना है, क्यूब रूट्स, देखो कितना सरल है ध्यान से। ये 7 देखते ही आप समझ गए हैं कि यूनिट डिजिट कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं, क्यों, 3 का ही तो क्यूब करने पे इकाई का अंक 7 आता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27, इकाई का अंक कितना आएगा, 7, तो ये तो 3 हो गए। अच्छा उसमें याद करो बेटा स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट छोड़ते थे, 2, इसमें कितनी छोड़ देंगे, 3, छोड़ दिया कि नहीं, चलो ठीक है। अब देखो 12 जो है वो किसके क्यूब से आसपास में है, तो अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का तो 2 × 4 × 8 कम रहा, 3 का करो, 3 × 9 = 27, ज्यादा हो गया। तो बेटा ध्यान रखना कि ये 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो बताओ बेटा ये किससे ज्यादा है, 8 से ज्यादा है कि 27 से ज्यादा है, तो 12 बेटा 8 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे अगला डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 2, यानी ये किसका क्यूब लिखा है, ये 23 का लिखा है। समझ में आई बात की नहीं आई, और समझना ध्यान से। और अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से बेटा, अगला डिजिट लिखा है 39304, कितना लिखा है, 39304, देखिएगा बेटा
अगली डिजिट देखिएगा क्या लिखा है, 39304, इस पे लगाओ ऐसे क्यूब रूट। ठीक है, बताओ बेटा चार हमेशा कब आता है, चार हमेशा कब आता है, चार चौको 16 चौको 64, जब यूनिट डिजिट चार ही होती है। लिख ली, इसको हटा दो बेटा। 39 किसके क्यूब से ज्यादा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिरका 9 तिया 27, और 4 का कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो ज्यादा किससे बेटा, ये 3 के क्यूब से है, तो बस यहां 3 लिख दो, काम खत्म। आंसर बहुत सरल है बेटा, एक सेकंड में आंसर। अब देखिएगा और देखिएगा यहां, इसको देखो ये 6 आया है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अब बताओ कितना छोड़ दें, इतना छोड़ देंगे कि नहीं, यही तो छोड़ देंगे कि नहीं, बचा कितना है 175। 175 बताओ बेटा किसके क्यूब से ज्यादा, तो 5 का कितना होता है, 5 25 5 125, और 6 का कितना होता है, 6 6 36 6 216, तो 6 से तो ये कम है, यानी 216 से तो कम है, और 5 के क्यूब से कैसा है ज्यादा, तो यहां कितना आ जाएगा, यानी ये किसका क्यूब लिखा है, ये 56 का क्यूब लिखा है। बोलो समझ में आ रही है कि बात की नहीं। और देखना बेटा इधर देखो, ये बताओ यूनिट डिजिट 9 हमने बताया था, पीछे वाले देखो, अभी पीछे वाले में क्या, ये इसी में बताया, इसी में देखो 9 कब आता है, जब हमेशा इकाई का 9 होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं, 3 डिजिट छोड़ दो। अब 704 को देखो, 5 का कितना होता है, 5 25 5 125, और आगे बढ़ो, 6 का कितना होता है, 6 6 36 6 216, 7 का कितना होता है, 7 7 49 7 343, 343 के पास पहुंच चुके हैं, और आगे बढ़ो, 8 का 512, 9 का 9 81 729, 729 ज्यादा हो गया कि नहीं, इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, 8 का, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 8 512, तो यहां पे कितना हो जाएगा 89, ये किसका है बेटा 89 का। इसको देखो प्यारे बच्चों, इसको यहां दो देखते ही समझ गए होगे, देखो जब यूनिट डिजिट 2 आ जाए है, जब यूनिट डिजिट 2 आती है, तो ये किसका क्यूब होता है, 8 का, देखो यहां लिखा 8 का क्या होता है 512, तो इकाई का अंक यहां कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं, 3 डिजिट छोड़ दो। अब बताओ 474 लिखना है, तो बताओ बेटा 7 का कितना होता है, 7 का 7 7 49 7 343, 343 से ज्यादा है, अब एक बार 8 कैसे चेक करो, 8 का होता 512, 512 से कम है, तो ये किसका आंसर होगा 78 का। समझ तो रहे ना, बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है। देखो ये जरा देखिएगा, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आई, 3, 3 का मतलब यहां कितनी संख्या होगी 7, अब 3 छोड़ दो, 300 देखो किससे ज्यादा है, तो 7 का होता 343 और 6 का होता है कितना 216, तो ये 216 ज्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा 6 का। ये देखो बेटा 7 देखते ही समझ गए कि यहां पे यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 3। अब बताओ ये 1092, 10 का कितना होता है 1000, और 11 कितना होता है 1331, तो बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा 103 का। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, अगर कम समझ में आई है तो देखो अभी और आगे बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, इनको हम कर चुके थे, इनको तो हम कर चुके हैं। ये बताओ ये 3 की वैल्यू है, ये कितनी है 4 की वैल्यू है, अच्छा इनको भी कर चुके थे, इनको हम निकालना सिखा चुके थे, ठीक है, इनको देखो सीखो, इनको क्यूब रूट 15 कैसे निकालेंगे, क्या निकालना हमें, क्यूब रूट 15 देखिएगा जरा, पहले उससे पहले इनको देख लो, ये 7 दिखा है, 7 देखते ही समझ गए 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो कितना होगा 3। अब बताओ कितने अंक छोड़ेंगे, 3 छोड़ दो ऐसे, जब 3 छोड़ेंगे तो ये कितना बचा बताओ 1092, और 1092 का मतलब कितना हो गया, 1092 का मतलब हो गया ये 10 का क्यूब से ज्यादा है 103, ये आंसर हो जाएगा 103। यहां बताओ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो क्यूब रूट्स में 1 अंक के बाद आएगा, यहां 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, ठीक है, यहां देखो बेटा कितने अंक के बाद है, अच्छा ये रूट्स वाले हैं, ये छोड़ दो, ये हम करा चुके होंगे, ये रूट्स वाले हैं, ये करा चुके हैं, ठीक है, ये देख लो ये भी रूट्स वाला है, ये सब करा चुके होंगे, इनको जरा देख लो, ये हमने जो डिजिट लिखी हैं 15 21 35 56, इनका रूट लेना सिखाते हैं, देखो किनका किनका, क्यूब रूट 15, क्यूब रूट 21, क्यूब रूट 56, इनका देखो कितने आसानी से आता है। याद करो बेटा पीछे हमने कुछ सिखाए थे, पीछे कुछ बताए थे कि नहीं, उसी तरीके से इनको भी लिखना है, जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट 15, अब तुम्हें लिखना क्या है, तुम्हें देखना है ये जो 15 है ये इसके आगे वाला ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब रूट्स हो, 15 के पहले तो आता है क्या, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहां पे क्या लिख लो बेटा 8, और यहां पे कितना लिख लो 3 का कितना 27, बस इतना ही लिखना होता है, लिखो यहां 2 का क्यूब कितना हो गया 2 हो गया, ऐसे लाइन खींच लो, ये कितना ज्यादा है इससे बताओ कितना ज्यादा है, ये बेटा कितना ज्यादा है ये लिखो बताओ, 8 7 15, तो ये 7 ज्यादा है कि नहीं 7, और यहां से ये कितना ज्यादा है जरा देखो बेटा,
तो ये 19 ज्यादा है, ये आंसर हो गया आपका, खत्म काम। इसको दशमलव लिख लेना, आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। इसी तरीके से देखो अगली डिजिट हमने क्या लिखी थी, क्यूब रूट 21, देखो ध्यान से, क्यूब रूट 21। इसके पहले क्या लिखेंगे 8, इसके बाद क्या लिखेंगे 27, क्योंकि ये होता है 2 का और ये होता है 3 का, तो इनके बीच में ही तो आ रही है डिजिट। मतलब 2 या 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 का रूट क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे लाइन खींच लो बेटा, लाइन खींच ली कि नहीं खींच ली। इसके बाद क्या करेंगे बताओ जरा, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, निकालो बेटा कितना निकला ज्यादा बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो ये 8 से 21 से घटाना है तो 13 आ जाएगा, 13 और 8 21 होता है, तो कितना हो जाएगा 13। ये इससे कितना ज्यादा है बेटा, अभी निकाल लेते कितना, 19, ये आंसर हो गया। एक और डिजिट देखो, क्यू रूट 56, क्यू रूट कितना 56, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्यूब रूट 56, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे निकलेंगे, अब इसके आगे देखो 3 का कितना होता है, 3 का होता है 3 त्रिकोण होती है 27, 4 का कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64, तो यहां लिखेंगे बेटा 27, यहां लिखेंगे 64, इन्हीं के बीच का तो ये डिजिट है। इसका क्यूब रूट लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई, बताओ 27 से 56 कितना ज्यादा है, घटाइएगा जरा। अच्छा ऐसे घटाया करो, 26 होता 56 से तो 30 ज्यादा होता कि नहीं, एक ज्यादा है तो कितना ज्यादा 29 बेटा, 26 होता 56 से घटाते तो 30 घटता कि नहीं, और एक है तो एक ज्यादा है ये, तो एक कम, एक और घटा दो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अच्छा 27 से 64 घटाना है, तो देखो घटाने का तरीका कई है, 30 मान लो, इसको 30 मान लो, तो बताओ ये कितना हो गया 34 और 3 37 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या, हमने आपको क्यूब रूट्स निकालना सिखाया है, जरा ध्यान दीजिएगा आपके में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ये कुछ संख्याएं लिखी हैं जिनके क्यूब रूट्स आपको निकालना है, हम निकालना सिखा रहे हैं, इसका बोलिएगा, इसका यूनिट डिजिट 8 दिखी, 8 दिखने का मतलब यहां पे बताओ 8 जब आता है तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 रहा होगा, और 3 संख्याएं छोड़ देंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 का, 1 ही तो होता है ना, तो 1 यहां आ जाएगा। अब ये 1 से बड़ा, 2 से, 2 का कितना हो जाएगा 8, तो 2 से तो फिर ये बड़ा हो गया ना, 2 बड़ा हो गया ना, मतलब 8 से तो ये छोटा है ना, तो यहां कितना हो जाएगा 12, ये 12 का क्यूब होता है कितना 1728। देखिएगा दूसरा, यहां 1 देखते ही समझ गए कि इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, 1 देखते क्या समझे इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब बताओ बेटा ये 3 डिजिट छोड़ दिया, बचा कितना 226, बताओ कितना होता है 226 किसके, किससे ज्यादा है, तो बताओ 4 का कितना हुआ 4 चौको 16 चौको 64, 5 का 125, 6 का 216, 216 पहुंच चुके हैं। अब 7 का 343 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का लिखो, 6 का कितना होता है बेटा, ये यहां किसका हो जाए 6 का कितना होता था, 6 छक्का 36, छक्का 216, 216 से ये बड़ा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अभी देखो इन्हीं का क्यूब रूट सॉरी क्यूब करना सिखाएंगे, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा इनका। बताओ अच्छा बेटा इनका 8 देखते ही यूनिट डिजिट 2 होगी कि नहीं होगी, अब ये छोड़ दो, इतना बची कितनी 42 51। अब 42 51 किसका क्यूब है, किसके क्यूब के आसपास है ये लिखना है। अब देखो थोड़ा आगे चलेंगे, तो बताओ बेटा 10 का कितना होता है, 10 का बोलो, 10 का 1000 हुआ, 11 का 1300, 12 1331, 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 का होगा तुम्हारा 144 गुणे 12 ज्यादा हो जाएगा 13 16, 15 का देखो 15 का क्यूब। अब यहां हम क्यूब करना सिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, अब जैसे तुम्हें क्यूब की जरूरत पड़ी तो हम क्यूब करना यही सिखा रहे हैं, कितना होगा देखिएगा बहुत अच्छे से। 15 का क्यूब निकालना है हमें, 15 का क्यूब, उसके पहले कुछ बातें समझो। अब देखो पहले हम क्यूब करना सिखाएंगे, देखना ध्यान से, ए प्लस बी का होल क्यूब का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, अगर आपको याद है तो बताओ जरा क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, ऐसे ही तो लिखते हैं कि नहीं। इसी चीज को बेटा हम तोड़ मोड़ के लिख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ए क्यूब यहां लिख लें और 3 इधर गुणा कर दें तो प्लस हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर
प्लस बी क्यूब, तो ये लिख लिया। अब दो छूट रहा है तो दो ए स्क्वायर भी यहाँ लिख लो और दो ए बी स्क्वायर यहाँ लिख लो। बस ये फॉर्मेट याद रखना है कि जो भी यहाँ लिखेंगे उसका यहाँ दोगुना करके जोड़ देंगे इसमें, और यहाँ इसका दोगुना करके जोड़ देंगे। हो सकता है अभी मेरी बात कम समझ में आ रही हो, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी, परेशान मत होना। मैंने माना कि हमें लिखना है 15 का क्यूब, बहुत अच्छे समझिएगा। तो इसको मानेंगे हम ए और इसको मानेंगे बी। थोड़ा सा कठिन पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस एक का तो स्क्वायर करना है, इसमें किसका गुणा करना है, बी का। तो एक का स्क्वायर यानी एक का वर्ग एक, और एक पांच, पांच एकम पांच, प्लस एक तो ऐसे ही रहेगा, और बी का स्क्वायर यानी पांच का वर्ग, पांच का वर्ग 25 एकम 25, प्लस बेटा पांच का क्यूब, पचम 25 पंचे 125। ये लिख लिया कि नहीं। इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और बस इनको आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका बहुत ध्यान दीजिएगा, जोड़ने का तरीका बताओ बेटा। यहां से क्या आएगा, एक आएक अंक पांच आ जाएगा, 12 किसमें रहेगी, हासिल में। तो अगले वाले डिजिट में ही तुम्हारा जोड़ेगी, आके अगले वाले डिजिट में ही तुम्हारा जोड़ेगी। अब जोड़ो यहाँ, पांच दो सात, सात का यहाँ आ जाएगा, बाकी पांच दो सात और एक आठ यहाँ हासिल में चला जाएगा कि नहीं, किसमें चला जाएगा, है ना, हासिल लग जाएगी। तो यहाँ यहाँ कैरी हमने कर लिया ये। अब आगे बताओ ध्यान से, आठ पांच तेरह दस तेईस, तेईस का तीन हासिल लगा, दो दो और एक तीन, कितना होता है 3375, कितना होता है 3375। और देखो ध्यान से, और देखो अगला, तब समझ में आएगा। सत्रह का बोलो, सत्रह का क्यूब, सत्रह का क्यूब बोलो कितना हुआ, कैसे लिखेंगे इसको, ए मानेंगे इसको बी मानेंगे कि नहीं। ए क्यूब हमने क्या लिखाया था जरा याद करो, ए क्यूब लिखना है प्लस ए स्क्वायर बी लिखना है प्लस ए बी स्क्वायर लिखना है प्लस बी क्यूब लिखना है। इसका दोगुना लिख के जोड़ देना है बस। अब देखो बेटा ध्यान से, एक का क्यूब एक, एक का स्क्वायर एक गुणे सात, एक गुणे सात का वर्ग 49, और सात का क्यूब कितना हो जाएगा 343। इसका दोगुना कितना हुआ 14, इसका दोगुना बोलो 98। इस लाइन खींचो, जोड़ने वाला पैटर्न बस ध्यान से देखना। यहां से तो तीन ही आएगा क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो इकाई अंक तीन लिख लो। अब बचा कितना 34 यहां चला गया, कैरी हुआ ना यहां चला गया। जोड़ो बेटा कितना हुआ, 9 8 17 17 और 3, 9 8 17 17 और 3 कितना होता है 21, सॉरी 9 8 17 17 और 4 21, 21 का एक हासिल लगा। तो ये जो दो है वो इसके साथ में जोड़ लो, तो देखो 4 और 3 7 9 7 16 17 और 1 18 18 यहां दे दो जाके। अब देखो कितना हुआ, 8 और 4 12 12 और 7 19 19 की 9 हासिल लगा, एक एक और एक दो और एक हासिल वाला तीन और एक ये चार, ये कितना हो जाएगा 49 13। अब देखिएगा जरा ध्यान से, 49 13 पे पहुंच गए हम। इसी तरीके से देखेंगे तो 16 का कितना होगा क्यूब, 16 का लिखो जरा डायरेक्ट, एक का क्यूब एक प्लस एक का स्क्वायर, और इसका एक का स्क्वायर इंटू ये 6 हो जाएगा, ए का स्क्वायर इंटू बी, ये तो लिखते हैं, फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ 36, और फिर कितना हो जाएगा 216। 6 का दोगुना 12, 36 का दोगुना 72। अब बेटा इसको जोड़ना है, जोड़ने का हम यहाँ पे आंसर यहाँ लिख रहे हैं, बताओ यूनिट डिजिट आ जाएगी 6, 21 यहाँ कैरी हुआ जाके, 6 और 1 7 2 9, तो 7 3 10 2 12 यहाँ आ गया, 12 12 24 और 6 30, 30 की सुना से लगा 3, 3 और 1 4, 40 96, ये किसका हो गया 16 का। अब देखो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्या था, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, 42 51, और अभी हमने क्या निकाला जरा देखो ध्यान से, 49 13, यानी ये 42 51 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 40 96 किसका होता है बेटा 16 का। तो जो डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। अब ये क्वेश्चन जो है इनको आपको, इनके हमें सबके आंसर लिखना है, ऑप्शंस है, जैसे डी का आंसर क्या होगा ये आप कमेंट में करेंगे, एफ का आंसर हमें लिखेंगे, और ई का भी आंसर ऐसे ही कमेंट में लिखेंगे, है ना, सरल सा है ई और ये लिखना। एक बार ना आए तो फिर हमें बताना, जैसे इसका आंसर अगर लिखेंगे तो इसका आंसर बताओ 6, देखते इकाई का अंक 6 हो गया, और बताओ 3 डिजिट छोड़ने के बाद, ये देखो सरल है बेटा, इसमें 3 ही डिजिट हैं, 3 डिजिट छोड़ने के बाद कितना बता 438, और 438 किसका होता है 438, बोलिएगा जरा एक बार 438 किससे ज़्यादा है, तो 7 का कितना होता है 343, और 8 का कितना होता है 512, तो 512 से ये छोटा है, तो यानी 8 नहीं यहाँ पे कितना है 7 है। अब ये हम दो छोड़ रहे हैं, इनको आपको घर से बताना है हमें, ठीक है।
आपको अगर क्यूब में दिक्कत आ रही हो कि सर क्यूब हमें याद नहीं है, तो हमने आपको लिस्ट में क्यूब दिया भी है, जरा देखिएगा एक बार, ये देखिएगा हमने 15 तक के क्यूब लिख दिए हैं। 15 तक के अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिएगा। 15 तक के क्यूब अगर याद नहीं है तो एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन इधर से करा रहे हैं, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। ये देखो इनमें से क्यूब करना सिखाते हैं, जैसे 17 का हम बता चुके हैं, 13 का हम बता चुके हैं, अब 21 का करते हैं, एक बार देखिएगा। हमें लिखना यही बातें हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, यही लिखना है, जरा देखिएगा बेटा ध्यान से। 21 का करते हैं, तो 21 में ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बोलो 8, प्लस 4 एकम 4, बस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, बताओ 2 गुणे 1 का ये कितना हो जाएगा 2, और 1 का कितना हो जाएगा 1, ऐसे लिख लिया। इसका दोगुना जरा करो 8, इसका दोगुना करो 4, बस जोड़ दो आंसर, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये 6, 8 4 12 की 2 हंसे लगा 1 और 1 9, कितना होता है 92 61, किसका होता है ये 21 का। इसी तरीके से 51 का लिख रहे हैं, देखिएगा 5 का क्यूब कितना 25, 5 125, प्लस 5 का वर्ग कितना हुआ 25 गुणे 1, 1 हो जाएगा, फिर 5 1 का वर्ग 1 और 1 का क्यूब भी कितना हुआ 1, 5 का दोगुना कितना हुआ 10, 25 का दोगुना कितना हुआ 50, ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ 1 आ जाएगा, 10 और 5 15 की 5 हाँ से लगा 1, 25 15 75 और 1 76 की 6 हाँ से लगा 7, 125 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 7, 25 और 7 कितना होता 32, आंसर आ जाएगा 32, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ डिजिट और हम ले रहे हैं, जैसे ये मैंने लिया एक 22 ले लिया, ये आप लोगों को लगाने हैं दोनों, एक ये मैंने ले लिया 42, अब बेटा हमें लिखना यही बातें होती हैं, जरा देखिएगा, एक लिखते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, तो बताओ 22 के लिए बताओ ए और बी दोनों बराबर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे, तो बताओ ए का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ए स्क्वायर बी करेंगे वो भी तो ए क्यूब होगा, ये भी 8 होगा, ठीक है, फिर ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, इसका दोगुना कितना हुआ 16, इसका दोगुना भी कितना हुआ 16, ऐसे लाइन खींच दो बेटा, ये हो जाएगा 8, 16 और 8, 8 8 16 8 24, 24 हो जाएगा, 24 का 4 यहाँ से लगा दो, 24 और यहाँ पे दो 26 की 6 यहाँ से लगा दो, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो बेटा इस तरीके से आप सारे क्यूब्स कर सकते हैं, जैसे एक और संख्या मैंने ली है जो उसमें दी गई थी वही ले रहे हैं 42, ठीक है, 42 के लिए ए ये होगा बी ये होगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं, ए का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 प्लस ए स्क्वायर बी 4 चौको 16 इंटू बी 2 16 दूनी 32 प्लस ए बी स्क्वायर 4 गुणे 4 4 चौको 16 प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका दोगुना करेंगे 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, है ना, तो बेटा ऐसे लाइन कर लो, देखिएगा ठीक है आ जाएगा आंसर, इनको जोड़ेंगे कैसे 8 यहाँ लिख लेंगे, 16 और 32 48 होता है, 48 की 8 यहाँ से लगा 4, ठीक है, इधर देखो 32 32 और 64 ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 10 की 16 से लगा 1 और 6 3 और 1 10 10 64 10 कितना हो जाएगा 74, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे क्यूब्स कर सकते हैं बड़े आराम से, आप लोग अगर करेंगे तो बहुत सारी डिजिट्स हैं, है ना, जरा एक बार हम एक डिजिट पे नज़र डालते हैं, इनमें से बताइए कौन सी, हम 104 का हम बता दे रहे हैं इसमें आपको दिक्कत होगी, 119 का हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सब कर लीजिए, कोई भी डिजिट लेके कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक लाइन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो अपने जीवन में ढाल लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगी वो लाइन, कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा आके तुमसे पूछे ए बंदे तेरी रजा क्या है, मतलब अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि आपको किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होने पर झुकना ना पड़े, अपने आप को इस काबिल बना लो, अपने आप को इतना परफेक्ट इंसान बना लो कि हर व्यक्ति आपका अनुसरण करना चाहे, और वो कब होगा जब आपके अंदर अच्छाइयां होंगी, आपके अंदर ज्ञान होगा, आप एक अच्छे इंसान तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर सामाजिक और किताबी दोनों ज्ञान होंगे, ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान से ना तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना सिर्फ सामाजिक ज्ञान से बहुत अच्छे, सामाजिक ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नेता बन जाओगे बस इतना है, ठीक है, लेकिन नेताओं को तुम्हें पता है बेटा गाली भी देते हैं, लेकिन तुम बताओ कोई आईएएस अधिकारी को आज तक गाली मिली है, आईएएस को आज तक बताओ तो किसे गाली दी है, जो भ्रष्ट नहीं उसे बताओ कितना गाली देते हो तुम, क्यों, क्योंकि आईएएस अधिकारी के पास ज्ञान भी बहुत सारा है,
बहुत ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ में और क्या बताओ, है ना, पढ़ाई का ज्ञान है और सामाजिक ज्ञान है, तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, तभी तो वो प्रशासन कर रहा है। तो इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा, है ना, और ऐसे मतलब पढ़ाई करिएगा कि एकदम कहीं ना कहीं अच्छे जगह सेटल हो जाओ। उसके बाद सामाजिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि हमारा समाज, जैसे हम लोगों के यहाँ हम लोग किससे, हम लोगों के साथ में क्या रहता है, ये हम लोगों को हर चीज़ समाज के हिसाब से करनी पड़ती है ना, कि समाज क्या कहेगा। हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, समाज ये कहेगा कि बताओ पढ़ाई करने गए तो घूमने चले गए। तो बेटा उन सब चीज़ों को तुम इग्नोर करिएगा, अभी अपने पढ़ाई को फोकस करिएगा और सेलेक्ट होइएगा, और ख़ास तौर पर वो करिएगा जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, भयंकर पढ़ाई एक हफ्ते की है, संडे का दिन आया, बिल्कुल घूमिएगा जाके, 100% घूमिए जाके, हम ये कहेंगे, ठीक है। किसी ने लिखा है कि अगर आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो 500 रुपये में कहीं कुछ, 500 रुपये का कुछ खरीदने से अच्छा है उन 500 रुपये में कहीं घूम के आइएगा, क्योंकि घूमने से आपको कई चीज़ों की नॉलेज बढ़ती है। तो घूमने जरूर जाइएगा और इन्जॉय अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत जरूर रखिएगा, पर इतना भी मत रखिएगा कि इन्जॉय ही रह जाए लाइफ में, पढ़ाई खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब बेटा देखो आगे की इन बातों को ध्यान रखिएगा, हम सवाल खत्म करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम पे आपका डिस्टर्ब हो। देखिएगा इसमें, देखिएगा बेटा, अगर हमने ले लिया 104, इसमें ए पूरे को ये मानेंगे और बी ये मानेंगे। अब देखिएगा क्या लिखते हैं, बताओ जरा, ए क्यूब 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस ए स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर 100 इंटू बी कितना हो जाएगा, 400, ए बी स्क्वायर 4 × 16 × 10 160, और 4 का क्यूब 4 × 16 × 64, ये तो हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, इसका दोगुना बोलो 800, इसका दोगुना बोलो 320, बस लाइन खींच दो, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आ गई, है ना, थोड़ा सा इधर लिखें ताकि तुम्हें देखने में अच्छा लगे। देखो यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ 6 लिख लिया, तो यहाँ बताओ 6 ही आएगा। अब 16 16 32 जोड़ो कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं, 48, यहाँ 48 लिख लो, 48 का 8 यहाँ आ गया, अब बताओ कितना रह गया, 8 4 12 124 यहाँ लिख लो, कितना हो जाएगा, 1124, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सा सरल है, अगर करोगे तो एकदम बहुत आसान है, ठीक है, एकदम से आसान है। चलो आगे बात करते हैं, ये देखिएगा आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, इनको सॉरी क्यूब दिए गए हैं, इनको करिएगा। आगे देखिएगा बेटा, थोड़ा सा इधर पीछे आना है मुझे, ये घनमूल ज्ञात करना है, इनको हम शायद करा चुके हैं, नहीं कराए होंगे तो देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, हम करा चुके हैं, जरा बताइएगा इसका मान क्या होगा और कैसे लगेगा, एक बार ध्यान दो और बताओ कैसे लगेगा। जरूरत यह है कि लगेगा कैसे, यह हमें निकालना है, हमें रूट एंड निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तिगड़म लग रही होगी, वो तिगड़म क्या लग रही है ये तुम्हें निकालना है, इसका हमें आंसर बताना है कैसे लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंट कर दूं, ये ए स्क्वायर लिखा है, इसको भी कुछ लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कितना, 1 2 3 4 5 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो अगर हम सही से सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम a लिख लें, ए स्क्वायर लिखा है प्लस, ये बताओ क्या लिखा, a + a + 1, ये तो लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख लोगे, a + 2a + 1 का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत, और ये a² + b² + 2ab तो लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a + 1 का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी चल रही है n की वैल्यू। तो अगर रूट एन लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a + 1, तो a की वैल्यू कितनी हमने मानी, a किसको माना है, इसको a माना है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 + 1 आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 6 ये वाला आंसर हो जाएगा। और पीछे आइएगा, ठीक है, इसको करिएगा, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि n 3 अंकों की संख्या हो, n 3 अंकों की संख्या हो तो एन स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, 54, तो n के कितने मान संभव है, तुम जरा बताओ, n की कोई भी 3 अंक की संख्या होगी, 1 2 3, n कोई 3 अंक की संख्या होगी और n स्क्वायर करेंगे, यहाँ बराबर लगना चाहिए था, ठीक है, जो भी n स्क्वायर करेंगे, क्या यूनिट डिजिट कभी भी 4 आ सकता है, हमने स्क्वायर में पढ़ाया था अगर याद हो कि यूनिट डिजिट कभी क्या क्या नहीं आता है, बताओ 4 क्या लिखा है, एक बार हम देख लें, कुछ और लिखना चाह रहा है, एक संख्या एक 3 अंक की संख्या है और n स्क्वायर कहा है कि ये 54 हो तो n के कितने मान संभव होंगे, 54 की बात की है ना, ठीक है। अच्छा बेटा यूनिट डिजिट 4 आ सकता है कि नहीं, पीछे वाली क्लास याद करो, तो बेटा हमने तुम्हें बताया था कि यूनिट डिजिट 4 आ सकता है कब, जब 2 का वर्ग हो। यूनिट डिजिट निकालने के 4 तरीके बताए थे, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर निकालने के 4 तरीके बताए थे, उनमें पहला नियम यही था कि इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं आ सकता, तो पहला नियम तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि 4 आ सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, तुम बताओ 1 से लेकर 24 तक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका लास्ट में 54 आता है, अगर वर्ग करें तो
क्यों मनाता है, बताओ है कोई संख्या? जरा एक लाइन में लिखना शुरू करो, देखें कितना याद रह गया तुम्हारा पुरानी बातें, तो एक लाइन में लिखना शुरू करो। देखो बेटा, एक का वर्ग एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का सोलह, पांच का पच्चीस, छह का छत्तीस, सात का उनचास, आठ का चौसठ, नौ का इक्यासी, दस का सौ। ऐसे लिख लेना, हम तुम्हें सीधे लिस्ट दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो पहली सबसे पहला पेज पे हमने स्क्वायर ही लिखे हैं। देखिएगा ये लिखे हैं बीस तक के, इनमें बताओ कहीं तुम्हें चौवन दिख रहा है, 54 लास्ट में दिख रहा है, किसी में भी 54 दिखा? ये तो 20 तक के हो गए। अब देखो आगे लिख रहे हैं, 21 का होता है 441, बुलवाएगा कहीं? 22 का होता है 484 आएगा, 23 का होता है 529 आएगा, 24 का कितना होता है बोलो 576 बोलो, कभी लास्ट में 54 आ सकता है क्या? और जब 54 नहीं आ सकता है तो कोई भी संख्या होगा अगर उसकी डिजिट 54 नहीं होगी, लास्ट डिजिट 54 नहीं आएगी, तो बताओ क्या ये वाला आंसर संभव है कि एन का कोई मान हो? तो इसका मतलब है कि एन का कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमने बेटा क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी आप आगे कर लीजिएगा। देखो जिसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, देखो कितना आसान है। जैसे ये लिखा है 386822, क्या लिखा है 386822, इसमें क्या जोड़े बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, देखो कितना आसान है। अब बताओ ध्यान से, 2257, अब अगर यहाँ पे 57 जोड़ेंगे ऐसे देखिएगा 57, तो बताओ संख्या क्या बन जाएगी? ये 729 बन जाएगी, इकाई का अंक 9 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इससे भी बेटा इकाई का अंक 9 आ जाएगा, इससे ये ऑप्शन सारे सही होंगे, देखिएगा कैसे। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 79, ठीक है, और 8638। अब बताओ 24 तक के स्क्वायर में कभी भी तुम्हें 79 मिला? 24 तक के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 79 मिली? देख लो फिर से अगर भूल गए हो तो, है ना, फिर से देखो एक बार, 24 तक का जो तुमने स्क्वायर लिखा था उसमें बताओ कहीं तुम्हें 79 दिख रहा है? बताओ 79 कहीं दिखा? 69 तो दिखा, 79 नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो अब अगला देखो, अगली डिजिट क्या है, अगली क्या है, ये नहीं जोड़ सकते तो जरा बताओ यहाँ पे 22 में 22 जोड़ दें, 22 में क्या जोड़ दें बेटा, 22 में 22 तो ये कितना हो जाएगा, 22 ही जोड़ दो, तो लास्ट की डिजिट कितनी हो जाएगी, 844, 844। बताओ लास्ट में 24 तक के स्क्वायर में 44 कहीं मिलता है? 44 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, 44 कहाँ आता है? तो ना ये ऑप्शन हो सकता है ना ये हो सकता है। अब आगे देखो तीसरा क्या है, ऐसे ही चेक करना रहेगा बेटा, तीसरा क्या है 62। अब बताओ ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जरा बताओ 882। बताओ कभी 82 आता है लास्ट में? एक और लिख लो, अच्छा ये कितना हो जाएगा 386822, और इसमें कितना जोड़ दें 67, ये कितना हो जाएगा 989 आता है, 82 आता है कहीं, ये बताओ, देखो जरा ध्यान से, देखो 89 तो यहाँ आता है, 82 बताओ कहाँ आता है, तो नहीं आ सकता ना। तो अपने आप आंसर सही हो गया कि कौन सा वाला आंसर सही है जिससे लास्ट में 89 आ रहा हो, कौन सा वाला ऑप्शन सही है बताइए जरा। ये हो गया है, इसके पहले इधर आओ, हाँ ये वाला गलत हो गया और ये वाला आंसर सही हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं बेटा, आज का पार्ट लगभग खत्म हो गया है, कैलकुलेशन का कुछ बात रह रही होंगी तो हम आपको क्लास के साथ में कराएंगे। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा क्या क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को देखेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन रहेगा पढ़ाने का। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो मतलब फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है, आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।